अकाउंट विदड्रॉल कराना है फ्रॉम 2139। आज मैं बताऊंगा आपको बाइनेंस में कैसे हमने ट्रांसफ़र करने हैं 2139 से। सबसे पहले आपने अपनी 2139 में जाना है, लॉगिन करना है, अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है और देखना है बेसिक वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, एडवांस वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ बाइंड विदड्रॉल एड्रेस पे चेक करना है कि आपका एड्रेस विदड्रॉ बाइंड हुआ हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये कर लेना है, ये करने के बाद आपने कंफर्म कर देना, जब आप विदड्रॉल करा रहे होगे उससे पहले आपने कंफर्म करना है कि आपका जो वैलेट एड्रेस है वो सेम ही है या नहीं। अपने वैलेट में जाना है, डिपॉजिट में जाना है, USDT पे क्लिक करना है, ट्रॉन TRC20 सिलेक्ट करना है और देख लेने शुरू के 4 से 5 अल्फ़ाबेट और आखिरी 4-5 अल्फ़ाबेट आपने मैच कर लेने, दैट मीन्स सेम है तो ठीक है, अब आपने आगे प्रोसीड करना है। उसके लिए आपने वापस जाना है अपनी 2139 पे, आपने जाना है एसेट्स में और आपने यहाँ से करने हैं ट्रांसफ़र जितने भी करने हुए, उसकी फ़ीस वगैरह पहले देख लेना। अब आपने करने हैं फ्रॉम ट्रेड टू एक्सचेंज, USDT पे ही करने हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 200 करने हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि 5% फ़ीस लगेगी तो 210 लिख देता हूँ मैं और कंफर्म जब करूँगा सबमिटेड सक्सेसफुली, ये देखिए मेरी एक्सचेंज में $210 आ गए। अब मैं इसको करूँगा विदड्रॉल, मैं विदड्रॉल पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे मेरा जो वैलेट एड्रेस है वो आ रहा है, सेम एड्रेस है, दोबारा एक बार चेक कर लेना है आपने कंफर्मेशन के लिए और आपने यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है, 210 आ जाएंगे और 10.5 जो है वो हैंडलिंग फ़ीस लग रही है आपकी और आपने यहाँ पे कर देना है कंफर्म, बल्कि 210 नहीं ना हमें चाहिए क्योंकि हमने चलें ये भी देखें $5 मैंने और कर लिए। अब मैं करूँगा विड्रॉल, विड्रॉल पे क्लिक किया, उसके बाद वैलेट एड्रेस मेरा आ रहा है, वैलेट अमाउंट मैंने करनी है ऑल, 10 फीस आ जाएगी, विड्रॉल पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद हम करेंगे कंफर्म और यहाँ से ये सबमिट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे बैक और होम पे जाएंगे, प्रोफाइल के आइकन पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे और ये देखें अप्लाई फॉर विदड्रॉल फ्रीज़ हो गए $215। अब ये थोड़ी देर में बाइनेंस में आ जाएंगे तो फिर मैं आपको बाकी आगे समझाता हूँ।